और अब फिर से चौथे आपसी अटैक में है, लेकिन एक गलत पास और पूरी मेहनत असफल हो जाती है। जर्सी नंबर 17 सूर्या का ये शॉट, हेडर यहां पे, और क्या शॉट लगा पाएंगे, क्या मैच का दूसरा गोल आएगा। स्टेडियम के पहले मैच में दोनों ही टीम अब मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। बिरसा चौक एफसी के सामने है ग्रीन आर्मी शानहो की टीम आज के पहले मैच में, और मैदान के अंदर दोनों ही टीमों के सब खिलाड़ी और साथ ही साथ हमारे मैच ऑफिशियल्स मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और अब माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, आपसे निवेदन होगा, हमारे आज के पहले मैच के मुख्य अतिथि हैं जनाब अशरफ खान जी, प्रबंधक हैं राज फर्नीचर टाटी सिल्वे से। और अब निवेदन होगा जनाब अशरफ खान जी से और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय और साथ ही साथ हमारे राजकिशोर महतो जी उर्फ लुरका जी के द्वारा। ट्वेंटी फोर और ये ओपनिंग विसल आते हुए शशि मुंडा जी की ओर से। हेलो, बहुत सुंदर प्रयास और उतना ही खूबसूरत तरीके से। एक अच्छा पास यहाँ पे और इस बीच यहाँ पे दोनों ही टीम एक अच्छा मौका यहाँ पे, हालांकि बिल्कुल सही पा गए थे गोलकीपर। शान होगी खिलाड़ी गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए, इस बीच यहां पे मौके की तलाश है और क्या शॉट पास किया है, लंबा पास है, अच्छा शॉट है। खूबसूरत पास यहां पे, मौका बनाना चाहते थे लेकिन पेनाल्टी एरिया के समीप से क्या शॉट लगाने देंगे। जी हां, शॉट लगा लेकिन सीधे
अभी अभी हमारे टीम के संरक्षक लालू यादव जी पधारे हुए हैं महिलाओं क्लब फुटबॉल क्लब महिलाओं की ओर से। लालू जी को धन्यवाद है, स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, अभी नहीं है लेकिन कुर्सी में बैठे हुए। एक अच्छा पास यहां पे जर्सी नंबर 15 रॉनी। एक अच्छा मौका बनाने में कामयाब हो पाई थी। आज के ये पहला हाफ आप देख रहे हैं, शानों के सामने है बिरसा चौक एफसी। बिरसा चौक एफसी की टीम मैदान पे है। यहां पे मौका था कंट्रोल अगर हो पाता, जैसी ने मिल लेवन जो कि अंकित थे। उनके बगल में है जितेंद्र सिंह जी, उनके बगल में हमारे संरक्षक सुनील मीन जी, उनके बगल में खड़े हैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज महतो जी, उनके बगल में आज के अतिथि यूनुस लकड़ा जी, प्रकाश जी और उनके साथी मंच को शोभा बढ़ाते हुए। और साथ ही साथ हमारे सभी फुटबॉल फैंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यहाँ पे राजेंद्र मौके का फायदा उठा पाते थे, इससे बेहतर क्या कर सकते थे। आकाश बिल्कुल नजदीक आ गए राजेंद्र की रफ्तार को रोका, बिल्कुल अकेले थे राजेंद्र लेकिन आकाश को बीट नहीं कर पाए। हमारे आज के इस मुकाबले के कई माननीय अतिथियों का आगमन हुआ है। रेफरी की विसल यहां पे थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है इस बीच। आपको बता दूं देवी सचिनों हमारे बीच विराजमान हैं, हमारे आज के अतिथि हैं और इन्होंने सहयोग राशि के रूप में कुल 21,000 रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए फुटबॉल क्लब महिलाओं का आपका
अभिनंदन और जोहार करती है, आपके सहयोग के लिए नमन वंदन करती है। अभी तक के बहुत सुंदर प्रयास, लेकिन कुछ नहीं, अश्वरी से बचाओ। और अभी तक के सबसे हाईएस्ट सहयोग राशि 21,000 रुपया का सहयोग किया गया है हमारे संरक्षक सुनील बिंद जी और उनके साथी प्रकाश जी, नीलेश जी, इन तीनों दोस्तों के द्वारा 21,000 रुपया का अभी तक का सबसे हाईएस्ट सहयोग राशि दिया गया है। फुटबॉल क्लब पहले मैच का लुफ्त उठाते हुए और हमारे मैच का शुभ बढ़ाते हुए धन्यवाद। आज के ये पहला हाफ और इस बीच यहाँ पे एक लंबी दौड़, और क्या सहयोग मिल सकता था बेहतर, अकेले थे प्रयास। एक और बार सुमित गेंद के साथ एक अच्छा सेंटर किया था इन्होंने, लेकिन उससे पहले की कुछ मौके बना पाते क्लियर चलता हुआ मैच का ये पहला हाफ अभी तक आपने देखा है, और अभी तक आपने ये भी देखा है कि कुछ मौके मिले जरूर दोनों ही टीमों को, लेकिन गोल के लिए एक अच्छा शॉट यहां पे, यानी कि गोल पोस्ट से बाहर, और इस बीच 1 मिनट, और इसी के साथ ही यहां पे मैच का ये पहला हाफ यहीं पे समाप्त हो चुका है। और पहले हाफ की समाप्ति के बाद दोनों ही टीमें बराबरी के स्कोर पे हैं। मंच में पधारे हैं फुटबॉल क्लब महिलाओं के संरक्षक अजीत महतो जी, जो क्लब महिलाओं के सदस्य मुखदेव महतो जी अभी पधारे हैं, उनको भी मंच की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और उनके साथ में गुड्डू महतो जी बैठे हुए हैं, अजीत महतो जी उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज महतो जी भी बैठे हुए हैं। सभी को मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। और हमारे पूर्व सीएम लालू यादव जी भी बैठे हुए हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, सीएम नहीं है लेकिन कुर्सी में ही बैठे हुए हैं, धन्यवाद। हमारे फुटबॉल क्लब महिलाओं के संरक्षक मार्गदर्शक आसिम महतो जी भी पधारे हुए हैं, मंच की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शॉट अच्छा है लेकिन अनु को भी नहीं कर पाएंगे, सीधे हाथों में झकर लिया गेंद को और पूरी उम्मीदों में पानी फेर दिया। आकाश एक पर्वत की तरह गोल पोस्ट पे गोलकीपर के रूप में, सामने
एक कमाल का शॉट लेकिन उतना ही अच्छा बचा बनू के द्वारा डाइव लगाते हुए अपनी दाई और निकल के टीम के नाम रहता है। हल्का सा पास जर्सी नंबर 9 सेंटर करने का प्रयास लेकिन दिशा को सही रखने है। उनको टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और 1.5 लाख स्पॉन्सर्स है सरला बिरला यूनिवर्सिटी उनके द्वारा। पेनाल्टी एरिया के आसपास यहां पे बॉकी की तलाश शॉट मारने के लिए अलग इस बीच यहां पे गेंद छिड़ा चुकी है। और अब बिरसा चौक आपसी अटैक में है लेकिन एक गलत पास और पूरी मेहनत असफल हो जाती है। जर्सी नंबर 17 सूर्या का ये शॉट हेडर यहां पे और क्या फिनिश किया है लाजवाब फिनिश आता हुआ। जर्सी नंबर 17 सूरज शॉट लगाया अपने बाएं पैर से हेडर तक गेंद को लेकर आए और बिल्कुल इन्होंने एक सटीक हेडर के साथ बीट किया है अनु को और इस मुकाबले का ये पहला गोल सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और वो क्यों ना हो ये इजाजत नहीं दे रही है। क्या मैच का दूसरा गोल आ सकता है। बहुत ही अच्छा तालमेल यहां पे पेनाल्टी एरिया से ये शॉट और अभी भी खतरा टला नहीं है। कमाल का ब्लॉक यहां पे उनको स्वागत है। बहुत अच्छा प्रयास लेकिन मिस हो गया। रेफरी को कोई दुविधा थी नहीं पेनाल्टी एरिया के अंदर अगर आप सावधान रहना पड़ेगा। कमाल का शॉट लेकिन उतना ही अच्छा बचाव शानदार बचाव और इस बचाव से कहीं ना कहीं अभी भी चांदों की टीम को एक नई शुरू स्पेशिया में अटैक में बिरसा चौक सेंटर करने की तलाश में जर्सी नंबर 10 अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहेंगे। ये शॉट लगा है थोड़ा सा गेंद बाहर गोल पोस्ट से लगातार इस बीच यहां पे दूर से ही ऑन टारगेट लेकिन नानू बिल्कुल तैयार थे। अब तक एक ही गोल आया है जिस गोल को आपने देखा है राजेश का एक शानदार हेडर देखने को मिला था बिरसा चौक एफसी की ओर से और लगातार यहां पे बिरसा चौक की टीम अटैक करती हुई इस बीच यहां पे एक और बार अनु को मेहनत करना क्या शॉट लगा पाएंगे क्या मैच का दूसरा गोल आएगा और इसी के साथ यहां पे गेंद तो चली गई है गोल पोस्ट के अंदर।
मैच को समाप्त होने के लिए अब बहुत ही कम समय। अगले मैच के लिए दोनों ही टीमें जल्द से जल्द आप हमारे फोर्थ ऑफिशियल के समीप रिपोर्ट करेंगे, लाइनअप करेंगे। एक अच्छे वेट करने के बाद पूरी तरह से इन्होंने जगह बना के सीधे शशि मुंडा की कभी भी विसल आ सकती है इस मैच को समाप्त होने के लिए। आखिरी के कुछ ही सेकंड्स अगर कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अब तक एक में दो गोल से आगे बिरसा चौक एफसी, हालांकि दोनों ही टीमों का गणवेश लगभग एक जैसा है। ग्रीन आर्मी चारों के खिलाड़ियों का जादू चला रही, लेकिन आज बिरसा चौक एफसी ने अपने आकाश के बहुत करीब आ चुके हैं, दूसरे गोल पोस्ट के करीब आ चुके हैं। और इसी के साथ यहां पे शशि मुंडा की ये फाइनल विसल, और इसी के साथ यहां पे बिरसा चौक एफसी की एक धमाकेदार एंट्री, 2-0 से इस मुकाबले को जीतकर बिरसा चौक एफसी अब अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है सीधे क्वार्टर फाइनल में।